हर के मन में इच्छा है, मायावती जी के मन में इच्छा है, सबकी मन में इच्छा है, और हमारे मन में भी प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा है। और क्यों नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमको कोई हड़बड़ी नहीं। दौड़ने से इधर से उधर बिना मेल के बिया कन पट्टी भर से नूर रगड़ने से कोई नहीं बनता। जो बेमेल का अन भाई रुके ना, आई कैन ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश ऑल्सो, आई डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट दी टाइम, आई विल एक्सप्लेन लेटर। माननीय ज्यादा चूंकि कोई बोलता हाईजेक के विषय में जानकारी नहीं, कोई बोलता 1 2 3 क्या है रे भाई, ये 1 2 3 सब एमपी साहब लोग जानिए, आप लोग जानते हमसे ज्यादा विद्वान लोग हैं, एक से एक थिंक टैंक लोग बैठे हुए हैं। ये एग्रीमेंट का नाम है 1 2 3 एग्रीमेंट। ये जो हाईजेक है, ये हाईजेक कांग्रेस वो अमेरिका के सीनेट का है, उसमें उसको वो हम पर बाध्यकारी नहीं है, अगर वो ले जाएगा अपने सीनेट में तो राष्ट्रपति को ये अधिकार हाईजेक देता है। वासुदेव बाबू हम अकेले रेल मंत्री नहीं है। वासुदेव आज सुबह टेलीविजन चैनल पर अरे भाई चलिए अरे क्या हो गया, उन्होंने भाषण आपके बारे में तो कुछ नहीं बोला। हम बताते यस दे सेड वन थिंग अबाउट ये बोलते हम बोलते डोंट रिकॉर्ड हाँ बोल रहे हैं। अरे सुनने दीजिए, आपका किसी को बारे में नहीं बोला। सुनिए सुनो मेरी बात सुनो, आप बोलिए सुनो, हम दे देते हैं जवाब, प्लीज आप सुन तो लीजिए। आपके सुना है क्या ये, आप सीट में जाइए तो वहाँ खड़ा होना नहीं चाहिए, वहाँ खड़ा होना नहीं है। नहीं 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 आपके कोई आप ना। अरे वो ठीक है, हो गया भाई ब्रजेश जी उनके नहीं नहीं अरे क्या बात करते हो, अरे बात सुनो मेरी, हाँ बोलते कमाल है, कुछ नहीं रिकॉर्ड करी महोदय। अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए आप बोलिए। हाँ बोलिए आप बोलिए महोदय, शांत हो जाइए, जाइए फिर आइएगा मत। आप बोलिए महोदय क्या हो रहा है, साइलेंस साइलेंस है भाई, सुनिए रुकिए बोलने दीजिए हमको। ये ब्रजेश पाठक जी ने उठाया, बीजेपी के साथियों ने भी ठीक उठाया था, ये सर्टेन मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक मीडिया के सवेरे से मेरे यहाँ आए थे और डेली ये आदमी लोग पूछते रहता मायावती जी बनेगी कि नहीं। हमने कहा इस अभिजात वर्ग का जो वर्चस्व है इस देश में, दलित की बेटी पिछड़ा और मुस्लिम को कोई प्रधानमंत्री नहीं बनने देता, ये मैंने कहा। मायावती जी से मेरा व्यक्तिगत संबंध अच्छा है मैं जानता हूँ, अब ये लोग टिकट सियोर करने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक ये दिखाते रहते। मायावती ने हाल के चुनाव में हमारे उम्मीदवार को मतदान किया, भाई प्रधानमंत्री की इच्छा है, सबकी इच्छा है, देखिए कौन बनने देता, कौन मुलायम सिंह यादव को, कौन लालू यादव को, कौन मायावती को, कौन माइनॉरिटी के लोगों को, किसी को कोई बनने देना चाहता है। और पीएम साहब तो इसमें अपवाद हैं, प्रधानमंत्री जी और फिर ये अकाली दल के लोगों को सोचना चाहिए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी का फतेह। हम गुरु आते हैं गुरु गोविंद जी के, उस धरती से हम लोग आते हैं,
इसलिए गुरु का, देवी देवता सारे धर्मों का सारा आशीर्वाद है, क्योंकि हम लोग अच्छा काम करते हैं। इसलिए महोदय हाइडेट और एनर्जी, अरे दास गुप्ता जी नहीं है, सीपीआई के नेता मल्होत्रा जी, नायडू जी बात सुनो भैया, आप लोग बहुत मोबाइल करते रहते हो, तुम्हारा पार्टी स्टेबल रहो। मैं जानता हूं कि कांग्रेस से आपका संघर्ष है, मैं जानता हूं सीपीएम के लोगों का तीन राज में लड़ाई है, बात समझिए असली बीमारी। अरे बीमारी असली, व्हाट इज द रियल डिजीज ऑफ द सीपीएम की, इनका डिजीज है कलकत्ता में कांग्रेस से लड़ाई। ये तो हमको एक वोट दे करके अपना काम निकाल लेते, अरे तो एक ही ने दिया और हम बिहार का 70 लाख बिहारी का वोट आपको करवाया, और रियल डिजीज है। बीजेपी के साथी लोग भी आप लोग सुन लीजिए, आपका तो कहीं फिट में है ही नहीं। केरला में इनका लड़ाई है, केरल में कांग्रेस से एक बोलते थे कि ऐन मौका पर जब चुनाव का टाइम आएगा तो हम लोग सरकार से अलग हट जाएंगे, क्या जनता में हम मुंह दिखाएंगे, क्या स्लोगन रहेगा। महोदय इस देश में जो आपने लकीर खींचा है, महोदय स्पीकर साहब मैं आपको बोलता हूँ, नहीं नहीं हमको मत लिया, नहीं नहीं मतलब मैं बोलता हूँ, ये आपका दायित्व है, आप गार्जियन हैं, और ज्योति बाबू को उन्होंने साफ साफ आपने इशारा किया है, जवाब आपको देना पड़ेगा। हमारी तो लड़ाई इनसे है, रहता ही लड़ेगा। हम अडवाणी जी को गिरफ्तार किया, रथ को रोका और डीएसएबलाइज करने के लिए बीपी सिंह को हटाने का लोगों ने काम किया, और सन 77 में गौरी सदस्यता के सवाल पर मोरारजी भाई के सरकार को भी हम लोगों ने हटाया, चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। भाई अजीत सिंह नहीं है, अजीत सिंह जी नहीं है, अजीत सिंह जी, अरे बनाया सो बोला, अरे बनाया क्यों बनाया, नहीं क्यों नहीं, बात सुनो, आप बैठिए, आपको क्या पता है, आप कहीं अमेरिका में घूमते होंगे, मेड इन अमेरिका घड़ी पहनते हो, बच्चे 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 और रिलेशन अमेरिका में काम करते हैं, यहाँ अमेरिका फोबिया, अमेरिका फोबिया, आपको बोलते अमेरिका आ जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ, के तरह आ जाएगा अमेरिका आ जाएगा, कौन लड़ा है, लाठी रैली हमने किया था, हमारा दल पटना में, हमने कहा तेल पिला के आओ, आओ तेल पिला के आओ, इराक युद्ध के समय में, और अमेरिका में दुनिया भर में बूथ के खिलाफ लड़ाई हो रही थी, और शक्ति का और कुरान में लाठी का चर्चा है, ये शाहनवाज जानते होंगे, कौन पढ़ते होंगे, हमने महोदय राष्ट्रीय जनता दल ने कहा था बूथ हटाओ, दुनिया बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, ये आइडेंटिफाइड अमेरिका ये है लोग, हिम्मत नहीं हुई, इतिहास से रिकॉर्ड है, हम राज्यसभा के मेंबर थे, कांग्रेस पार्टी सारे लोग, सीबीआई सीपीएम के सारे लोग अमेरिका के एक्शन को कंडेम करने के लिए कि भारत सरकार हस्तक्षेप करो, कंडेम करो, भारत कल दुनिया का गुरु हो सकता है, एशिया को लीड करो और कंडेम करो अमेरिका के एक्शन को, नहीं मत हुई इराक के खिलाफ नहीं लिख पाए, रिकॉर्ड की बात है, और लिखा डिप्लोर भेलोर, यह है आपकी हिम्मत। और मैं अडवाणी जी नहीं है, सुनते होंगे आप बताना, ऑन द बिहाफ ऑफ द इंटायर एनडीए कल जो उन्होंने भाषण किया महोदय, एक शब्द अमेरिका के खिलाफ नहीं उच्चारण हुआ, नहीं बोले, डील परमाणु के खिलाफ नहीं बोले, कहां चले गए, कम्युनल वायरस निकालना शुरू किया, कम्युनल वायरस छोड़ना शुरू, चले गए